मध्य प्रदेश की मंडला स्थित अंतर्गत एक ऐसा गांव है जिसका नाम है ककैया, जहां जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहां रहते हैं सिर्फ अजगर, यानी यह अजगरों की बस्ती है। लगभग 5 वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में अजगरों के प्राकृतिक आवास के रूप में यह जगह सामने आई है। इस स्थान पर विकास के नाम पर केवल फेंसिंग कार्य है और पौधारोपण के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। वन परिक्षेत्र जगमंडल अजनिया के द्वारा पूर्व रेंजर जो इनके थे एके मिश्रा को नियमित गश्त के दौरान पहाड़ी पर शीत ऋतु में अजगर दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ की साफ सफाई करवाई, जिसके बाद बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में अजगर धूप सेकने के लिए आने लगे और यही वजह है कि क्षेत्र में सैलानी और अन्य लोग यहाँ आकर अजगरों को देखने का लुफ्त उठाने लगे और यह बस्ती हो गई अजगरों की। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर शून्य ही कार्य हुए हैं। अजगरों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते जरूर हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्त रवैये के कारण यहाँ व्यवस्थाएं उचित नहीं हो पाई हैं। बहुत मजा आया, ये पहली बार हमने इस तरह से देखे जो यहाँ पे जू में देख रहे थे वगैरह, मगर ये इस तरह से पहली बार देखा, बहुत मजा आया। कितने पायथन मतलब आपने देखी, क्या लगता है और क्या जानकारी थी आपको इस स्थान के बारे में? स्थान के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ये नरेश भैया ने बताया कि यहाँ पे ऐसा है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और तकरीबन 5 से 6 देखे हम लोगों ने यहाँ पे, और बहुत बड़े हैं और अच्छी जगह पे। ज्वालामुखी फटता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि समतल प्लेन हो, वो दरारें बनाता है और दरारें जो बनती हैं वो नेचुरल बनती हैं। जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में दरारें बनती हैं अपनी भाषा में, उस जगह को दरारदार बोलते हैं। तो अजगर यहाँ रहता है, इसलिए जब लोगों ने देखा कि दरारों में अजगर रहता है तो उन्होंने इसको अजगर दरार का नाम दिया। और अजगर दरार का नाम बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि हर दरार के अंदर अजगर है, आप जाइए वो कभी ऊपर मैदान में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको अजगर दादा कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि अजगर रहते हैं और उनकी दरार है, इसलिए इसको छेड़िएगा भी मत, क्योंकि अगर आप इसकी दरार छेड़ेंगे तो ये आपको छेड़ देगा। काना पहला टाइम था हमारा, तो एक सफारी कर ली जहाँ पे सेटिंग का इतना मौका नहीं मिला, तो हम लोग थोड़ा टेम कर रहे थे कि कहाँ पे जा सके, तो हमारे साथ भैया थे, तो भैया ने बताया कि आप यहाँ पे आइए, एक अच्छी जगह है, पाइथन मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे और बहुत ही अच्छी सेटिंग हो गई पाइथन की, बहुत सारे पाइथन है इधर, जो मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे, तो बहुत सारे पाइथन हमको देखने को मिल गए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि थोड़ा गर्मी का टाइम हो गया तो वो थोड़े अंदर चले गए, लेकिन बहुत अच्छा जगह है ये, मतलब अनटैम जगह है ये बेसिकली, ऐसा लग रहा है कि पब्लिक आती नहीं है इतनी, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ऐसा है, और अगर गवर्नमेंट करती है अगर कुछ रास्ते का तो ये बहुत ही अच्छी जगह बन सकती है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए ये बताइए इसके बाद और आने की आपकी क्या इच्छा होगी? हम लोग 100% हम लोग गए, हमारे भैया से मैं बात कर रहे थे कि हम लोग जनरली क्या है कि मैं गुजरात से हूँ, मेरा गुजरात में मतलब मैं गीर से हूँ बेसिकली, तो गीर में हम लोग देखते रहते हैं ये सब लायन वगैरह, लेकिन ये जगह ऐसी है कि ये डेंस फॉरेस्ट है और ऐसी ऐसी जगह है जो है अनटेम जगह है, जो बहुत सारी है यहाँ पे। अगर गुजरात, हम लोग बोल रहे हैं कि गुजरात में अगर ऐसी जगह होती तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह उसको टेम करते थे, मतलब गुजरात इतना एक्सप्लोर कर रहे थे, तो ये छोटी जगह है हमारी और ये बहुत ही बड़ा बहुत विशाल जगह है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। हमने बुक कर लिया है भैया को, तो अगले मई में हम लोग वापस यहाँ पर रहेंगे। सर लगता नहीं है आपको कि यहाँ डेवलपमेंट की खासी आवश्यकता है? हम मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ये जगह गुजरात में होती, ये सभी जगह है, जितनी जगह मैं अभी मैं तकरीबन 7 दिन से घूम रहा हूँ पूरे एमपी में, मैं मढ़ई कर लिया है, मैंने बांधव कर लिया है, मैंने काना अभी कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और अगर इसको डेवलप किया जाए ना तो बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे भैया भी बता रहे थे हमको कि बहुत एक्चुअली पब्लिक इतनी आती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो अगर ये सब चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जाए, इसको थोड़े ये जो ऐसे डेस्टिनेशन है अनटेम डेस्टिनेशन, इनको अगर एक्सप्लोर करके थोड़े बड़े फलक पर लेके जाए, एक बोर्ड भी नहीं है वहाँ पे रोड पे, अगर एक बोर्ड लगा दिया जाए मैं गारंटी मारता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक बहुत आएगी। और मैं ये बोल रहा हूँ ये महाराष्ट्र शासन का भी, सॉरी मध्य प्रदेश शासन का भी एक अच्छा हिस्सा बन जाएगा आमदनी का, और लोगों जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी आमदनी का बड़ा हिस्सा बन सकता है, यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह भी लग सकते हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे आ सकती है।